हेलो गाइस, मैं हूं सारसन, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर दिल के तार से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते हो मुस्कुराते रहे, तो चलते हैं वीडियो की। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्क टू सेल इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर मनी, तालिबान ब्लास्ट पॉलिटिशियन। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रांग, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी ये जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो क्या उनके लोग चाहे कुछ भी हैं, वो अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलस हैं। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं। वो लोग वो जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वही लोग आज अवाम के कपड़े उतार रहे हैं। आज अटैच नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे के बिलों के अंदर से परेशान है। पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ लेन देन करे, ट्रेड करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बताती है कि कश्मीर का मसला बता देती है, इस पर हम उनसे लेन देन नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कई ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए, शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम करीब इंशाल्लाह आप देख लें IMF के ताबे जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में, अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो के बाकी कफन में ये जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है स्वाति के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, वो भाई इतनी क्या बात, यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है क्यों, एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। और माय चैनल डेली स्वैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है तालिबान से। गाइस तालिबान ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के जिम्मेदार है। और एक और भी उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया, पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वाकई में ही जो तालिबान क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ये सच है या झूठ है, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कब बेटर होंगे या नहीं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इसका भी आंसर लूंगा। आइए मेरे साथ चलते पाकिस्तान पब्लिक के जाने पर उनका आंसर लेते। जी तो गाइस कुछ खवातीन है जिन्होंने अपने हाथ में बैनर्स को पकड़ा हुआ है और स्लोगन्स उठाई हुई इन्होंने। मैं पूछता हूँ इनसे क्या वजूहत है, इन्होंने क्यों ये घरों को छोड़कर बाहर निकल आई है, रोडों पर निकल आई है पाकिस्तानी अवाम, फीमेल्स देख सकते हैं आप। गाइस इन्हीं की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? राबिया अज़र। मैडम क्या किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं आप लोग सड़कों पर? अब बताएं कि इन हालात में, जैसे हालात हमारे जो हुकूमत हमें प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इस हालात में सर्वाइव करना एक आम बंदे के लिए ईजी है? तो इस तरह के हालात में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा खाना पीना, हमारी फीसिस, हमारी जो है हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो हमसे छीन ली गई हैं, तो क्या हम लोग बाहर ना आए? ये हुकूमत का कसूर है कि जो के हालात ख़राब हैं, कि या आवाम का अपना कसूर है या फिर कोई और ताकत इन्वॉल्व? आवाम ने इस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, करप्ट लोगों को, तो तब तो जाहिर बात है कि हमारा कसूर है ना। करप्ट लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वोट देंगे तो तभी तो वो, अगर इस्लामिक लोगों को तो हम प्रेफर ही नहीं करते हैं। अगर इस्लामिक लोगों को प्रेफर करें तो ऐसे करप्ट लोग तो ना आए ना। अगर करप्ट लोग जो हैं वो आएंगे तो वो तो अपना ईमान बेच कर आ रहे हैं ना, तो जो ईमान बेच देगा वो तो पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी, सारी जो हमारा एक न्यूक्लियर पावर है हमारे, उसको भी सेल कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर ही हमारे पास है, जिस तरह से यूक्रेन को ऊपर साइन करवाया गया कि आपने न्यूक्लियर पैसे देकर यूक्रेन को कहा कि आज के बाद आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, तो आज देख सकते हैं यूक्रेन पर कितना जुल्म हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है, क्या हमारे वेपन्स अगर अल्लाह ना करे अगर हम फरोख कर देते हैं तो आपको नहीं लगता कि आसपास हमारे दुश्मन हम पर हमलावर हो जाएंगे? जाहिर बात है अगर हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रांग, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी ये जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो फिर क्या आप क्यों नहीं समझते कि हम लोग स्ट्रेंथन नहीं है? हमारी आर्मी स्ट्रेंथन हमारी न्यूक्लियर पावर की वजह से है। आने वाले टाइम के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात, इंडिया को हम कंपैरिजन करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया
हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ लेन देन करे, ट्रेड करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बताती है कि कश्मीर का मसला बता देती है, इस पर हम उनसे लेन देन नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। आपके पास वहाँ एवरेज पर्सन ग्रेजुएट है, हमारा देखिए इंग्लिश बोल नहीं सकता, आप एवरेज देखें बहुत परसेंटेज डाउन है। हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी परसेंटेज देखें बहुत डाउन है। तो हमारी सिंसियरिटी की कमी है, बेईमानी है हमारे अंदर और करप्शन है। हम तो कहते हैं मुसलमान बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। क्या हम ओरिजिनल मुसलमान हैं या फिर हम नाम के मुसलमान रह गए, इस वजह से अल्लाह ताला के अजाब हम पर नाज़िल हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर बात है हम ओरिजिनल नहीं हैं। हम लोग एक्चुअली जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम सब जो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो पसंद करते हैं इस तरह के लोगों को। अगर इस्लामिक लोग आएंगे तो ज़ाहिर बात है उन पर सारी पाबंदियाँ लगेंगी और हर कोई पाबंदी पसंद नहीं करता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अब्बास साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी, क्या वजूहत है? आपको पता है कि मुल्क का क्या हाल कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसने लोगों का खून निचोड़ लिया है, तो आम के पास तो कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि वो सड़कों पे आए। बिल्कुल सही सर, ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तान 1947 से अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया? पाकिस्तान को अब तक हुक्मरान नहीं मिला, जो चोर है कौन होगा हुक्मरान? कौन अभी आप पूछ रहे हैं कौन है? सिराजुल हक साहब हैं, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी है। मतलब इनको मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ जी। सर जरदारी साहब की जब हुकूमत थी, जरदारी साहब $100 बिलियन में न्यूक्लियर का सौदा करने जा रहे थे, लेकिन कुछ वजूहत के तहत ये सौदा ना हो सका। तो सर अभी रिसेंटली अगर ये होता तो तालिबान ने कहा कि मुल्क के जो हालात खराब है इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, इसको कैसे देखते हैं? सर ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, जब हमारे अंदर कमज़ोरी है, चोर हैं हम, तो हम गुलाम हैं, तो हम कुछ भी फिर मानेंगे। और दूसरी बात आपने देखा है जो जहाँ जो फंड इकट्ठे किए हैं, डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में पाकिस्तान में एक ही जमात है जिसमें इतमाद किया जाता है वो जमात इस्लामी है, अगर अब भी लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर लोगों की मर्जी है। हम तो सर पर सर आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं हमारे मोहतरम है, तो बताइए क्या हालात है मुल्क के, ये क्या बैनर उठाए हुए आपने? हालात ये हैं जी, ये मुल्क किसके नाम पे लिया था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी, ये अल्लाह से बेवफाई किन लोगों ने की? मुसलमानों ने। इस मुल्क को अगर अमन देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं, चैन देना चाहते हैं, महंगाई से इसका अजाब छुड़ाना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जमात इस्लामी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाती है, और पाकिस्तान का आइन जो कानून है वो कुरान है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब तक हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, अपनी मईशत के अंदर इनके कानून को नाफज नहीं करेंगे, हमें इन चीज़ों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। इसलिए जमात इस्लामी की जैव दावत है कि कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठो और पूरी दुनिया में छा जाओ। सर अभी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट न्यूक्लियर का भी सौदा करने जा रही है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी सौदा करने जा रही है, सर इसको कैसे देखते हैं? इसके मतलब ये है जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं इनसे तो है कि ये कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अवाम और जमात इस्लामी इनके ऊपर ये काम नहीं होने देगी। हमें हमारी ये फरमाइश है, हमारी ये दावत है कि जमात इस्लामी का साथ दें। 70 साल से इस मुल्क को लूटने वाले गद्दार और बेईमान लोग के जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं इनसे जान छुड़ाएं और जमात इस्लामी का साथ दें, ताकि इस मुल्क के अंदर कुरान के कानून को नाफज किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को नाफज किया जाए। सर 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 हम कहते हैं कि भाई जो मुल्क के हालात ख़राब हैं, हम कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अंदर बयान कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और बयान देते हैं। सर हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तान को देख लें, सर हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ये तो हिंदुस्तान वो, आज वो मईशती तौर पर कहाँ चला गया, हिंदुस्तान ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह सर यही है कि उनके लोग चाहे कुछ भी हैं वो अपने मुल्क के साथ अपने अवाम के साथ मुखलस हैं। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं, वो लोग वो जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वही लोग
आज आवाम के कपड़े उतार रहे हैं, आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे दे के बिलों के अंदर से परेशान है। यही वजह है कि इंडिया हमसे आगे क्यों है, कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, हमारे जो लोग हैं ये अपने मुल्क का सौदा करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। सर, इंडिया कहता है कि मैं हमारे साथ लेन देन करो, हमारे साथ सौदा लो, हमारे साथ चीज़ें लो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात पर भी एग्री नहीं है। सर, जब वोट लेना होता तो कश्मीर का नाम ले लेते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह देते हैं। पॉलिटिशियन ने, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया जी। मैरिट की बुनियाद के अंदर अगर इंडिया से कोई बात हो सकती है तो करी जाए, नीचे गिर के नहीं, अपना सर उठा के उससे बात की जाए, अपना सर झुका के नहीं। ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं ये बात सर उठा के नहीं करते, ये बात सर को झुका के बात करते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल सही। सर, आप समझते हैं कि सारा कसूर हुक्मरानों का है, कि जो कि हम इंडिया से भी पीछे हैं, आज पूरी दुनिया से इंडिया तो क्या सर, अफगानिस्तान से पीछे हैं हम करेंसी के तौर पर, अब बांग्लादेश जो कि हमारा हिस्सा था वो भी हमसे अलग हो गया। सर, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों से? इतने बड़े, हमने बड़े बड़े दिन देखे हैं सर, इतने मुश्किलात देखी जिंदगी के अंदर, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, इससे बड़ी मुश्किलात क्या होंगी जिंदगी के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इससे भी हम सबक नहीं सीखते, क्या वजूहत है? इसकी वजह यही है जी कि जैसे कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे भाई, अगर देख जब पकाता है तो देख देखने वाला चंद दाने उठाता है और देखता है कि इस देर की कैफियत क्या है। जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब ये तरीके, इसका नाम क्या है, इस्लामी का ये धरना था या कोई रैली थी, उसमें ये सोहेल भाई गए थे, तो मुजम्मल भाई गए थे, तो ये जो है ना जमात इस्लामी, उसने कराची में काफी तो जो सेकंड नंबर पर आई है वो जमात इस्लामी है, तो जमात इस्लामी का भी अभी चूरन बिक रहा है, तो ये चूरन ही बिकते हैं हमारे यहाँ ऐसे, जो कश्मीर में जो अंकल बता रहे थे कि भाई कश्मीर का जब भी ऐसी तरीक चलती है ना, जिसका भी चूरन बिकता है ना कश्मीर के नाम पर बिकता है और उसको भी वोट मिलते हैं, ये पाकिस्तान में तासुर दिया जाता है, और वो चूरन अब बिकेगा नहीं, वो चूरन इंडिया जो है कश्मीर ले चुका है, और कभी भी नहीं वो चाहेगा कि वो इंडिया को, जो पाकिस्तान है कभी भी नहीं ले सकता। अब ये चूरन हमें खत्म कर देना, जो चूरन बेचते है ना उनको चाहिए कि वो उनका हिस्सा बन चुका है, हम उसके साथ डायलॉग करें, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, फिर पाकिस्तान की कुछ भला हो सकता है। ये नहीं कि उसके साथ बातें भी करें और ये भी बात करें कि हम कश्मीर लेंगे। कश्मीर कभी भी नहीं होगा पाकिस्तान का हिस्सा, जो अपने पास हिस्सा है उसको कंट्रोल करें, उसको जैसे फैसिलिटी दी जाए, और ये चूरन बेचना खत्म कर दें। आवाम को भी चाहिए ये चूरन बेचना बंद कर दो, वो कश्मीर कभी भी नहीं पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता, और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करो, वो चाहता है तो आप मिन्नत भी करें, उसके पैर भी पड़ने पड़े, अब पाकिस्तान की जरूरत है, मजबूरी है, जरूरत है वो। हाँ जी, ये नहीं कि अकड़ के वो बोले कि कश्मीर का हिस्सा बंद कर दो, भाई कश्मीर का हिस्सा तो हो चुका है भाई, उनको अकड़ फपती है, अब हमें अकड़ फपती नहीं है भाई, हमारी मजबूरी है, हमें चाहिए इंडिया का साथ। असल में पता बात क्या, वो जो कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच कर भी इन लोगों के लिए दाना लाऊंगा, आटा लाऊंगा, उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप ये कपड़े ना बेचे, आपके वो बदबूदार कपड़ों को हमने क्या करना, से वो फ्लैट्स बेचे जो आपके लंदन में है, वो स्विस बैंक से आप पैसा निकालें जो आपके बैंकों में पड़े हैं। अब जरूरत है उन पैसे की हमें पाकिस्तान को, हमें ये कोई सवाल उठाए ना, डिबेट करे आवाम के बीच में बैठ के, कि भाई आप लाओ सारे सियासतदान जो आपकी आवाम की है, जो लूट के ले गए हो ना पैसा, आप क्यों इतना दर्द है आवाम के लिए, आप लाओ बात, आप रह रहे फ्लैट लंदन के फ्लैट में रह रहे हैं, आपके बड़े भैया साहब, बड़े भैया, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह किस तरह की मुकावत है कि आप सारे का सारा टब्बर चोर और ऊपर से आवाम का बनिया चूरन खिला दिया कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम को आटा खिलाऊंगा, और दूर फिटे मुँह आपके मुंह पर कि आप पहले अपने फ्लैट्स बेचें, आपने 10 अरब अब 20 अरब कितने का स्कैंडल था, ये करप्शन केस था उसके सलमान बेटे पर, वो उनकी नैब ने खत्म कर दी, क्यों तरामीम कवानीम इतनी कर दी, सारे केसेस खत्म हो चुके हैं जो नवाज शरीफ के, जो नैब का, मुझे यार मेरे तो बात सुने, जो नैब ने हमें
अब सुनना सुना करता था हर को नैब का केस है, अब क्या नैब का तो नाम ही नहीं है। असल में आप देखें कि हमारी बेवकूफ अवाम अब भी ऐसे बेवकूफ मौजूद है पाकिस्तान में जो अब भी समझते हैं कि हमारी मुश्किल जो हल करेंगे तो वो नवाज शरीफ या नून लीग। ऐसे लोग हैं अभी भी, लोग अभी काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की है मुश्किल को खत्म कर सकता है, और उन ऐसे गधे इंसान जो अकल से फारग है ना उन्हें चाहिए। अबे भी जरदारी पर विश्वास रखते हैं और कराची में सारा जो है वो उतने तो मैं नहीं मानता। भाई, भाई जिन पॉलिटिशियन ने काम हुकूमत के लिए अपने अवाम के लिए काम करना होता है वो ये नहीं कहते मैं कपड़े बेच के करूंगा, वो ये कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली छोड़ सकता हूँ, कहते नहीं है छोड़ कर दिखाते हैं। जिस तरह पीएम मोदी का फैमिली अब कौन है, पीएम मोदी का पूरा इंडिया उनकी फैमिली है, उन्होंने अपनी फैमिली को पसे पर्दा डाल के और उनके अपने भाई, मैं उस वक्त शॉकिंग मैं यकीन कर जाए 100% श्योरिटी कहता हूँ मैं शॉक में था कि उसका भाई एक शॉप की मतलब कि एक अपनी दुकान चलाता है मामूली सा उसका अपना कारोबार है, मैं तो परेशान हो जाता था। कोई आपके साथ बड़ा मशीर मशीर लग सकता था, अच्छी पोस्ट देकर उसकी जिंदगी अच्छी बना अच्छी हो सकती थी। नहीं, मुल्क का दर्द है उसके पास। हाँ जी, उसको सोच है कि मेरे मुल्क जो है उसको सोच है रुखसार भाई कि मेरा मुल्क एक अच्छी डिग्रेशन पर जाए, गलत अनासर ना हो कि अपनी फैमिली को उसने सियासत में लाया या अच्छी पोस्ट पर लाया। बबलू डब्लू को बेचे हैं वो जो नवाज शरीफ के बबलू डब्लू है ना, जिनके पैदा होते जिनके मुंह में सोने का नहीं, मेरे ख्याल में हीरे का चम्मच आ गया था खरबों के। यार पाकिस्तान के मैं ना एक बात बता दूं, पाकिस्तान के इतने बैंक्स में स्विस बैंक्स में डॉलर पड़े ना, उनमें से कब कोई एक भी ले आए जो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ में से कोई एक भी मगरमच्छ पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के मार्केट में पैसा फेंक देना तो मैं कहता हूँ कि ये सारे क्राइसिस ऐसे खत्म हो रहे हैं। उनके पास इतने स्विस बैंक्स में पैसे हैं। अच्छा वो अंकल की आप रुखसार में बात नहीं सुन रहे भाई, जो मसला कश्मीर है ना ये भाई हल हो जाएगा, ये मसला कश्मीर हम हल करेंगे और जमात इस्लामी इसको हल करेगी। देख कितना चूरन जो पाकिस्तानी अवाम है ना ये मसला कश्मीर पर भाई बहुत जज्बाती बिकते हैं टिकटों पर बिकते हैं। तो जमात इस्लामी का यही चूरन बिक रहा है कि भाई वो हम इस्लामी कानून लाएंगे मसला कश्मीर हल करेंगे। भाई उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो मसला है कश्मीर जम्मू कश्मीर वो इंडिया का हिस्सा हो चुका है, अब कभी भी वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकता, हम वो चूरन बेचना बंद कर दें। बिल्कुल, और हमें हकीकत में आना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये नहीं कि हम मसला जानो कश्मीर हो जाता है आपका, फिर क्या करोगे कश्मीर को, क्या खिलाओगे कहां से। एक मैं मिसाल देता हूँ भाई गुलजार के, आपका एक कुनबा है, उस कुनबे के में फर्क चार या पांच अफराद हैं, जब आपका कुनबे में सात या आठ अफराद हो जाएंगे या छह हो जाएंगे मतलब एक्स्ट्रा एक दो आदमी आ जाएंगे तो आपके पास पहले चार पांच को खिलाने के पैसा नहीं है तो आप जो पांचवा या छठा सातवां आया उसको कहाँ से खिलाएंगे। यही सिनेरियो है आपका कश्मीर में। पहले बात तो इंडिया आपको प्लेट में तो रख के देगा नहीं, छिक्कर इतने मारेगा कि आपके वो लग पता जाएगा, आपको नानी याद आ जाएगी, और उसके बाद अगर आपके पास कुनबा ही आप बढ़ाते रहेंगे सिर्फ जो आप ख्याली पुलाव बना बना कर आवाम को खिला रहे हैं तो फिर आप खिलाएंगे कहां से। आप इस स्टेज पर आ गए हैं कि आप अपनी एटमी असासे बेचने पर आ चुकी हैं तो आप अभी भी मसला कश्मीर नहीं छोड़ है, सब चुरन है। अब ये नौबत आ चुकी है कि जो अपने एटमी असासा है जब ये लेवल खत्म हो जाए ना कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत चुकी तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान खत्म है। एटमी ताकत ने हमें कौन सी रोटी देनी है, सिर्फ इतना है, नाम है कि बस। वो भी अब यार जब अफगानिस्तान के तालिबान ने यह कह दिया कि पाकिस्तान पर इसलिए काबज नहीं होंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान का कर्जा अदा करना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान पर कर्जा ये ना था तो हम जरूर उस पर कब्जा कर लेते। ला सोचे आपको कौन तो आपको लगता है कि आपको कब्जा अच्छा, आप भाई एक हैरानी की बात है रुखसार भाई, आपको भी सोचना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तानी अवाम को मशवरे दे रही है आगे सोचें कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तानी तालिबान कहते हैं कि सियासतदानों से पीछा छुड़वाओ। बिल्कुल, अगर आपने तरक्की करनी है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलता नई वीडियो में ना टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।